नमस्कार दोस्तों, आइए आज आपको बताते हैं पायरिया रोग का घरेलू उपचार कैसे करें। पान, पान में चने की दाल के बराबर कपूर का टुकड़ा डालकर पान चबाएं। पीक को थूकते रहें। ध्यान रहे पीक पेट के अंदर न जाए, इससे पायरिया में शीघ्र ही लाभ होगा। लहसुन, पायरिया, मसूड़ों की सूजन, दर्द, बदबू हो तो 1 चम्मच शहद में 20 बूंद लहसुन का रस मिलाकर चाटें। 60 ग्राम सरसों के तेल में लहसुन को पीस कर डालें और गर्म करें। जब लहसुन जल जाए तो तेल को ठंडा करके छान लें। इस तेल में 3 ग्राम जली हुई अजवाइन और 15 ग्राम सेंधा नमक पीस कर मिलाएं। इससे मंजन करते रहें। इससे दांतों के सामान्य रोग भी ठीक हो जाएंगे और पायरिया भी ठीक हो जाएगा। आंवला, आंवला जलाकर सेंधा नमक मिलाकर पीस लें। इसमें सरसों का तेल मिला लें और मंजन करें। इससे भी पायरिया ठीक हो जाता है। पालक, पालक का सेवन पायरिया होने से बचाता है और अन्य गुण भी पालक के बहुत अच्छे हैं, इसलिए पालक को सेवन करते रहें। फिटकरी, पायरिया, मसूड़ों का दर्द, दांतों में रक्त आता हो तो 1 भाग नमक, 2 भाग फिटकरी बारीक पीस कर मसूड़ों पर नित्य 3 बार मालिश करें और 1 गिलास गर्म पानी में 5 ग्राम फिटकरी डालकर हिला हिला कर कुल्ला करें। इससे मसूड़ों में खून आना बंद हो जाएगा और मसूड़े मजबूत होंगे और दांत भी मजबूत होंगे। उनमें रक्त आना और मवाद आना भी बंद हो जाएगा। कपूर, पायरिया हो तो देसी घी में कपूर मिलाकर नित्य 4 बार लगाएं और लार गिराते रहें और कुल्ला कर लें। इससे भी पायरिया ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें, ताकि हम आपको और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते रहें।